हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट फॉर हेल्थ। सेहतमंद और फिट रहने के लिए इम्यून सिस्टम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल में लोगों ने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ना जाने कितने ही तरीके को आजमाए हैं, जिससे कोविड का जोखिम कम हो सके। तुलसी, अदरक, आंवला से लेकर हल्दी और गिलोई तक सभी देसी नुस्खे जो कभी कभार खाए जाते थे, लेकिन महामारी के दौर में हर किसी की दिनचर्या बन गए हैं। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स के बार बार लोगों को यह याद दिलाते रहे हैं कि देसी नुस्खों का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए, ताकि इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सके। अब एक नए अध्ययन से ये बात साफ हो चुकी है, क्योंकि हर्बल शंखनाद का सेवन जिम्मेदारी से किया जाना जरूरी है। जर्नल ऑफ क्लिनिक एंड एक्सपेरिमेंटल हेपेटोलॉजी में पब्लिश एक शोध से पता चल रहा है कि कोरोना वायरस के दौरान गिलोय के जूस का अत्यधिक सेवन से कई लोगों के लीवर में समस्या आई है। आइए इस बारे में विस्तार से हम जानते हैं। शोध में ये स्पष्ट हो चुका है कि कोविड-19 के दौरान हर्बल इम्यून बूस्टर के सेवन से लोगों के लीवर डैमेज हुए हैं। मुंबई में डॉक्टर्स सितंबर 2020 से दिसंबर 2020 के बीच गिलोय के काढ़े से होने वाले लीवर डैमेज के करीब 6 मामले नोटिस किए थे। ऐसे ज्यादातर मरीजों में जॉन्डिस मतलब पीलिया और सुस्ती थकान से जुड़े विकार देखने को मिले हैं। ये मरीज डॉक्टर के पास पीलिया और सुस्ती की शिकायत लेकर आए थे। गहन जांच के बाद पता चला कि इन सभी लोगों ने गिलोय का सेवन किया था। वहीं इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लीवर में प्रकाशित के अध्ययन में इस बात का दावा किया गया है कि गिलोय के सेवन से लीवर को खतरा हो सकता है। गिलोय एक जड़ी बूटी है जिसका उपयोग भारत में सदियों से किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय ने भी प्राकृतिक प्रतीक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए महामारी के दौरान गिलोय का उपयोग करने की सलाह दी थी, लेकिन तब सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि इसका सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए। आयुष मंत्रालय के अनुसार गिलोय को दवा के रूप में 500 मिलीग्राम या 1 से 3 ग्राम चून को दिन में 2 बार 15 दिन या 1 महीने तक गर्म पानी के साथ सेवन करना चाहिए। यदि आप किसी भी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हैं, तो इस हर्बल उपचार को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करना बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।